तो जी हाँ भाइयों और बहनों, स्वागत है एक और वीडियो में। ये वीडियो है फोर्थ वीडियो फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स में से। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं। नॉर्मल भाषा में अगर मैं आपको कहूँ तो जो बैकग्राउंड है उस पर ब्लर कैसे ऐड करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको जस्ट अपनी जो लेयर है उसमें से आप अपने सब्जेक्ट को जो है वो कट आउट कर लेना है, उसका मास्क बना लेना है। बैकग्राउंड को अलग नहीं करना बट सिंपली जस्ट उसका जो है मास्क बना लेना है। वो कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, मैंने अपना पेन टूल जो है वो ओपन कर लिया है और मैं जस्ट सिंपली मास्क ड्रॉ करना स्टार्ट कर दूंगा। तो गाइस, ये मेरा हो चुका है मास्क ड्रॉ। मैंने तो बहुत गंदे तरीके से मास्क ड्रॉ किया है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। आपको बिल्कुल ही साइजली करना है क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करने वक्त पक्का बतकर बंद कर देता हूँ और गर्मी इतनी हो रही है कि बस फटी पड़ी है। और आपको सिंपली करना क्या होगा, कंट्रोल प्लस एंटर को क्लिक करना होगा, जो आपकी सिलेक्शन है वो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो एक और वे है, जस्ट सिंपली यहाँ से आपको जो है W प्रेस करना है और आपका जो सिलेक्शन टूल है वो ऑन हो जाएगा और सिंपली जो अपना मॉडल है उसको सिलेक्ट करते जाना है। एंड सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कई जगह में से जो एजेस हैं वो इतने सही तरीके से सिलेक्ट नहीं होंगे। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, जस्ट ऑल्ट को क्लिक करके रखना है और वहाँ पे ब्रश से पेंट कर देना है, हल्का धीरे धीरे स्ट्रोक्स लगाते जाना है और ये यहाँ से रिमूव कर देना है मास्क। इसमें आप जितना प्रिसाइज हो सके आप कर सकते हैं क्योंकि आप थोड़ी ना पंखा बंद करके फोटो एडिट करेंगे। तो जैसा कि अभी आप देख ही रहे हैं, मैंने जो है वो अपनी फोटो को ऑलमोस्ट परफेक्ट कर ही दिया है। ओके, सो या हियर इट इज, और यहाँ से भी हो चुका है। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं, मेरा मास्क जो है वह काफी सही तरीके से सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको करना क्या है, एडजस्टमेंट लेयर पे जाकर सॉलिड कलर को सिलेक्ट करना है। वेट, मास्क रह गया एक जगह से, ध्यान रख लेना आपका जो मास्क है वो अच्छे से जो है सारा कवर कर ले। आपको एडजस्टमेंट लेयर पर जाकर सॉलिड कलर पे क्लिक करना होगा और ब्लैक कलर का मास्क बना लेना है। गाइज, याद रखना, अब जितना ब्लैक आपका मास्क होगा उतना ही सही से आपका ब्लर ऐड होएगा। अब वो कैसे होएगा मैं आपको बताता हूँ। आपको अब सिंपली क्या करना होगा, फिर से एडजस्टमेंट लेयर पर जाना होगा और यहाँ स्टार्टिंग में जो ग्रेडियंट दिया हुआ है ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको जो मास्क है उसका कलर बस ब्लैक कर देना है। और जैसा कि मैं देख सकता हूँ, मेरे को जो मास्क है वो थोड़ा सा नीचे, और नहीं, ये जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है, प्लीज ऐसा नहीं। तो आप यहाँ पे क्लिक करके धीरे धीरे मास्क की जो प्रॉपर्टीज है उसको कम करते जाएं और जो ब्लैक है ब्लैक को डाउन करते जाएं। तो जैसा कि अब आप देख ही सकते हैं कि जो मास्क है वो काफी सही से बन चुका है। आपको सिंपली ओके कर देना है, दोनों लेयर्स को शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट कर देना है और कंट्रोल प्लस जी प्रेस करके ग्रुप कर देना है। अब आपको यहाँ से चैनल्स पे जाना है। चैनल्स पे जाने के बाद किसी भी चैनल को सिलेक्ट करके आपको सिंपली कंट्रोल जे कर देना है, डबल राइट क्लिक करके आपको डुप्लीकेट चैनल कर देना है और उसका नाम लिख देना है और सबको इनेबल कर देना है। तो अब होगा क्या, आपको सिंपली लेयर बॉक्स पे जाना है। आपको सिंपली क्या करना होगा, अपनी फोटो पे जाना है, इसको पहले आप कॉपी कर लें, डुप्लीकेट बना लें, देन आपको फिल्टर पे जाना है, देन ब्लर ब्लर गैलरी पे जाना है। तो गाइज, याद से आपका जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट, याद से जो आपकी लेयर होनी चाहिए वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना आपको जो बैकग्राउंड ब्लर नहीं होगा। तो लेंस ब्लर पे क्लिक कर देना आपने ब्लर में जाकर। अब उसके बाद ध्यान से देखना क्या है, आपको यहाँ पे जो ये जो लेयर है सोर्स है यहाँ पे करना है और यहाँ पे जो हमने बैकग्राउंड ब्लर बनाया था उसकी लेयर जो थी उसको सिलेक्ट कर देना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद अगर आप देखोगे हुआ क्या है, अभी फिलहाल कुछ नहीं हुआ है। अभी जैसे जैसे आप धीरे धीरे ये वैल्यूज इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे ब्लर बढ़ क्यों नहीं रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ब्लर जो है वो काम करना स्टार्ट कर दिया है हमारा। अब धीरे धीरे आपको जो है ब्लर की वैल्यू बढ़ाते जाना है। तो अगर आप देख सकते हो तो मेरा बैकग्राउंड जो है वो काफी सही ब्लर हो रहा है। यहाँ से मैं सिंपली जो मैक्सिमम वैल्यू उसको सिलेक्ट कर दूंगा, रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा और आप देख सकते हैं जो मेरा ब्लर है वो कितना सही से काम कर रहा है। अगर इसको मैं थोड़ा और बढ़ा दूं, बेसिकली ये जो रेडियस है, अगर आपने कभी कैमरा चलाया हो तो ये रेडियस जो है वो कैमरा के अपर्चर की तरह काम करता है। जितना आप रेडियस बढ़ा दोगे उतना आपका अपर्चर जो है वो बढ़ जाएगा, जितना आप रेडियस कम रखोगे उतना जो है आपका अपर्चर कम रहेगा। ये जस्ट एक एग्जांपल देने के लिए है। और एक चीज और, ये जो लेंस ब्लर है, ये जो कैमरा का ब्लर होता है उसको जस्ट एक डिटो कॉपी करने के लिए उसकी कॉपी करने की कोशिश करता है। आप जैसे देख सकते हैं मेरी फोटो में जो ब्लर है वो काफी सही ऐड हो चुका है। उसके बाद आप देख लीजिए आपका जो मन करता है, अगर आप ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा दें, अगर आपको बोके इफेक्ट चाहिए अपनी फोटो में, तो गाइस जैसा कि आप देख ही सकते हैं मेरे को ये सेटिंग जो है वो काफी सही लग रही है, तो मैं इसको सिंपली इनेबल कर दूंगा, ओके कर दूंगा सॉरी। तो उसके बाद आपको ये देखो आप कितना सही तरीके से जो है ब्लर हुआ है आपका सारा जो बैकग्राउंड है, और नीचे आते आते जो ब्लर है वो खत्म भी हो रहा है।
और पूरा एक डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो आपकी बन रही है। ये देखो, ये है आपका ब्लर। उसके बाद आपको सिंपली आपकी मर्जी है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर दूं तो मैं जस्ट सिंपली यहाँ पे एक न्यू लेयर बनाऊंगा, यहाँ से न्यू क्रिएट न्यू लेयर पे क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं ब्रश टूल में जाकर ब्रश टूल को थोड़ा बड़ा करके 30% ओपेसिटी के साथ सॉफ्ट ब्रश देन स्ट्रोक्स लगाऊंगा 3, 1, 2, 3 व्हाइट ब्रश के साथ और इसको जो मैं है थोड़ा बड़ा कर दूंगा और उसके बाद एक ह्यू एंड सैचुरेशन की लेयर बनाकर ह्यू एंड सैचुरेशन जो है उसको मास्क कर दूंगा, उसको जो है क्लिप कर दूंगा अपनी ग्लो लेयर के साथ। ओके गाइस, फोटोशॉप काफी नखरे कर रहा है तो आपको उसका ध्यान रखना होगा। एंड देन आपको यहाँ पे कलराइज पे क्लिक कर देना है, जो आप देखेंगे ऊपर जो आपका यहाँ पे इस एरिया में आपका जो ग्लो होगा वो कलर अब धीरे धीरे चेंज करना शुरू कर देगा। जैसे मैं थोड़ी सी सेटिंग्स कर दूं, ड्यूरेशन थोड़ी बढ़ा दूं, लेट्स सपोज मेरे को यहाँ पे येलो टोन चाहिए, लाइट बढ़ा दूंगा मैं, कम कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं मेरा थोड़ा सी इफेक्ट यूज करने में कितना ज्यादा जो है फोटो का वो काफी अच्छा इफेक्ट आने लग गया है। तो आपको सिंपली अब करना क्या होगा, अगर मैं लेट्स सपोज आपको कहूँ कि इस पे मैं एक फिल्टर लगा देता हूँ, तो ग्रेडियंट पे जाकर मैं सिंपली और यहाँ से मैं लेट्स सपोज ये वाला ग्रेडियंट चूज कर लेता हूँ कोई सा भी और ओके करके उसको मैं ठीक है और ओके करके मैं उसकी जो है ब्लेंड मोड सॉफ्ट लाइट पे कर देता हूँ। देन सिंपली जस्ट मैं इसको जूम इन करके उसकी ओपेसिटी है उसको लेट्स सपोज मैं 10% कर देता हूँ या फिर 20 लेट्स से और मे बी 15 सही है, 10 नहीं सही है यार, 10 सही है, 10 बहुत सही है। ओ यार मैंने सारी लेयर्स गलती से डिलीट कर दी, आप प्लीज़ ये ना करें। तो जो 10 है तो मैं ये शायद चाहता हूँ कि मैं ग्रेडियंट चेंज करूँ, मेरे को बहुत फद्दू ग्रेडियंट लगा ये वाला, पता नहीं। ओ नाइस, ओ यार ये वाला ग्रेडियंट इज वेरी नाइस, दिस ग्रेडियंट इज वेरी नाइस। यस आई डू साउंड लाइक एन मैच्योर बट व्हाट डू आई डू, ये मैंने खोला ही पहली बार है ट्यूटोरियल के में चक्करों में। तो आपको सिंपली इसको भी ग्रुप कर देना है। तो अब अगर मैं आपको क्विक बिफोर एंड आफ्टर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है, ये कितना फ़र्क पड़ गया आपकी फ़ोटो में और आपको सिर्फ 5 मिनट में आपकी जो फ़ोटो है नॉर्मल फ़ोटो इतनी अच्छी हो जाएगी। आप चाहे जिस मर्जी फ़ोन पे जाए, चाहे वो रेडमी का फ़ोन हो, सैमसंग का फ़ोन हो या कोई एवरेज कैमरा हो, जिस फ़ोन का कोई सा भी चलेगा, आप देख सकते हो कितना सही है। अब अगर इसके ऊपर मैं काला टीका लगा दूं अपने वाटरमार्क का तो वो भी मस्त हो जाएगा एकदम से, तो मैं क्यों ना लगा ही दूं। तो यहाँ पे मैं अपना वाटरमार्क कर दिया है ऐड, तो आप देख ही सकते हैं गाइस कितना सही लग रहा है। डोंट वरी, ये मेरी नेक्स्ट पोस्ट नहीं होएगी बट स्टिल इट लुक्स वेरी गुड। आप खुद देख सकते हैं थोड़े से ट्वीक से कितना ज़्यादा फर्क आ गया। तो गाइज ये थी फोर्थ वीडियो फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स की। अब जो लास्ट वीडियो आएगी वो होगी फाइनल कलर करेक्शन की, उसके बाद मैं आपको एक स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया वो फॉलो करके एक ट्यूटोरियल बनाकर दिखाऊंगा एक फ़ोटो एडिटिंग का, तो जिससे आपको एक और सही आइडिया मिल जाए कि फ़ोटोज़ जो हैं वो कैसे बनानी है, फोटोशॉप में कैसे काम करना है, फ्लो कैसे बनेगा बेसिकली आपका। तो या गाइज दैट्स इट, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी की हुई मेहनत अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। तो या गाइस मिलते हैं नेक्स्ट फ्यूचर वीडियो में, तब तक के लिए बाय। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I want.